हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्केल हिंदुस्तान में। और आज हम बीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं। और आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हम आप लोगों के लिए एक कंप्लीट बीएमएस का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। ये कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा? स्केल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट बीएमएस का कोर्स, बीएमएस ऑपरेटर कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, कंट्रोलर का क्या काम होता है, कंट्रोलर वर्किंग किस तरह करती है, सेंसर कहाँ लगा रहता है, कैसे मोटराइज बॉल का काम करता है, बहुत सारी फायर फाइटिंग सिस्टम से कैसे कनेक्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो यहाँ इस बीएमएस प्रोग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्किल्ड हिंदुस्तान और स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन दोनों चैनल पे आपको बने रहना है। वहां से आपको अनलिमिटेड नॉलेज मिलने वाली है ऑटोमेशन के बारे में। आप पीएलसी सीखना चाहते हैं, पीएलसी का भी कोर्स वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बीएमएस के बारे में। बीएमएस क्या है, बीएमएस कहाँ पर यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? तो कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेस्ट तरीके से, इजी तरीके से ये सारी चीज़ें समझा सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और वीडियो को जब भी देखना है आपको पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। स्किल हिंदुस्तान ऑटोमेशन आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि जो लोग एक अच्छे अमाउंट में इस कोर्स को बेच रहे हैं, स्किल हिंदुस्तान ने फाइनली डिसीजन लिया कि वो आपको फ्री में मिले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। यहाँ पर क्या है बीएमएस, भाई सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए बीएमएस का नाम तो सुना है, बीएमएस होता क्या है? बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सर, ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? भाई ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम एक एक सिस्टम पर बैठकर, एक कंप्यूटर के ऊपर बैठकर, वहां पर हमें पूरी स्क्रीन दिखाई देती है, वहां पर हमें उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है ये देखिए, ये एक हमारा बीएमएस सिस्टम है। इसे क्या क्या है, नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये हमारा पंप वगैरह हैं, रिले वगैरह लगा के हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, बीएफडी से हम कनेक्ट कर सकते हैं, चिलर हमारे लगे रहते हैं वो इससे कनेक्ट होते हैं, हमारी जो भी कितनी वोल्टेज है, कितना एम्पियर है, कितनी रीडिंग गई है, वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक्चुएटर है जो इससे कनेक्टेड होती हैं, एक सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, जहाँ से हम उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर मतलब भाई किसी रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है हम कम कर सकते हैं, किसी लाइट को लाइट ऑन है हम उसको ऑफ कर सकते हैं, भाई एक रीडिंग है मुझे 50 जगह जाके रीडिंग लेनी पड़ती है, वो मुझे एक सिंगल एक सिस्टम पर बैठे बैठे मिल जाती है, कहाँ कितनी रीडिंग चल रही है, क्या लोड चल रहा है, मेरा पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा कूलिंग टावर ऑन है ऑफ है। तो इस तरह करके ये बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो चीज़ें तो लगी रहती हैं, मुझे सिस्टम पर भी सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट ये आपस में कम्युनिकेट कैसे हैं, और ये चीजें तो ठीक है सर, मुझे समझ में आ गई, ठीक है सर ऐसे ऐसे होता है, बट इसके फायदे क्या हैं, क्यों लगाएं, क्या रहेगा? तो सबसे पहले आप देखें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसमें भाई क्या चीजें लगी हैं, कैसे हैं, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं, वो वर्किंग कैसे करते हैं, अगर आपको इक्विपमेंट के बारे में पता है, इक्विपमेंट का वर्किंग पता है, इक्विपमेंट का टाइप पता है, तो चीज़ें इजी रहेंगी, हम उसको मतलब जो ट्रबल है, प्रॉब्लम है, उसको बीट कर सकेंगे। यह किस तरह से काम करता है, यह किस तरह से काम करता है भाई, इसका फंडामेंटल कैसा है कि सबसे पहले एक प्रोग्राम बनता है एक सिस्टम के अंदर, फिर कंट्रोलर लगते हैं, ड्राइव्स लगते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, और वो सारी भी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं वीडियोस के थ्रू। तो सबसे पहले है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये भाई एक इंटेलिजेंट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है जो हम भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में है, यहाँ पर देखो एक तो भाई सारे कैमरे वगैरह हमें दिख रहे हैं कि कौन कहाँ पर है,
एक बीएमएस रूम में हम पूरा एक्सेस होता है, एक पूरा कंट्रोल रूम होता है, ये पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल की भाई सब कौन कहाँ पर कैसे कैमरे चल रहे हैं, हमारा जो चिलर सिस्टम है उस वो कनेक्टेड होता है, फायर सिस्टम होता है वो कनेक्टेड होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कनेक्टेड होती हैं और हमें इसमें उनका लाइव प्रीव्यू दिखाई देता है। लाइव प्रीव्यू मतलब भाई किसी रूम में को का टेम्परेचर को बढ़ाना है तो वहीं बैठे बैठे हम बढ़ा सकते हैं, वहीं बैठे किसी को भेजने की जरूरत नहीं है कि भाई जाके कम करके ये या ऐसे कीजिए, कोई मेरा जो एचयू है एयर हैंडलिंग यूनिट है या किसी कोई फैन है वो बंद हो गया तो मुझे बैठे बैठे पता लग जाएगा कि फैन हमारा बंद हो गया है, क्योंकि उसमें इस तरह के इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। इससे भाई क्या रहेगा, किसी भी जगह का टेम्परेचर भाई मैंने बैठे बैठे सेट कर दिया, इक्विपमेंट लगा है, अरे भाई ये कभी ठंड हो गई है कभी गर्मी हो गई है, तो एक एक जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम इसके थ्रू बना सकते हैं भाई, एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, पॉइंट सेट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एनर्जी होती है भाई जहाँ पर हमें सपोज एक एक रूम है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सेव हम एचवीसी से कर सकते हैं, एचवीसी में मेरा एक रूम बंद पड़ा हुआ है या तो हम वहीं से कमांड देकर उसको ऑफ कर सकते हैं, एक रूम है जहाँ पर हमें टेम्परेचर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए बट हम वहाँ पर कंटिन्यू एसी चला रहे हैं, पावर लॉस होती है, आगे हम समझेंगे इसके बारे में भी कि कैसे कैसे क्या होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। इससे टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होके ना कई सारी चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं, इससे काफ़ी सारा कॉस्ट अपना पैसा बचता है, काफ़ी कुछ बेनिफिट होते हैं इससे। अभी क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो बीएमएस सिस्टम जो होता है इसकी हमारी पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग से ऐसे जुड़ा रहता है भाई, हमारे चिलर्स हैं, लाइटिंग सिस्टम है, वीएफटी है, एचयू है, एफसीयू, वीएवी, तो मतलब देखो बिल्डिंग के अंदर जितना भी हमारा टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन सब के थ्रू जुड़ा रहता है, और वहाँ पर हमें जितनी चीज़ों की जरूरत है उतनी चीज़ों को चलाते हैं, और इससे भाई हमारी पावर सेविंग होती है, भाई एक मशीन है एक इक्विपमेंट है वो 2 घंटे चल रहा है, एक उसको कम चला रहे हैं तो इक्विपमेंट कम चलेगा तो उसकी लाइफ बढ़ेगी, तो इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, हमारी सेविंग होती है। बीएमएस में कितनी तरह के सिस्टम लगे रहते हैं भाई, कितने इसमें भाई जो है 3 लेवल के सिस्टम लगे रहते हैं, मैनेजमेंट लेवल है, मैनेजमेंट लेवल में क्या हो गया कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम भाई एक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल के उसको उसको चलाते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर पार्ट हो जाता है। दूसरा है ऑटोमेशन लेवल, इसमें क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर होते हैं, भाई कंट्रोलर क्या होता है हमने एक सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, उस सिस्टम से फिर हम कंट्रोलर्स को कनेक्ट करते हैं जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं उसके हिसाब से, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कंट्रोलर होते हैं वो भाई प्रॉपर वर्क करते हैं, जहाँ कमांड देनी होती है वहाँ कमांड देते हैं, वर्किंग करते हैं। फील्ड लेवल में क्या हो गया कि भाई हमने जो हमारा प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है वो क्या करेगा, अगर कमांड देगा किसको देगा, एक सेंसर को देगा, और एक सेंसर से कमांड लेगा आगे किसी इक्विपमेंट को ओपन क्लोज होने की, स्लो होने की, फास्ट होने की कमांड देगा, तो इस तरह करके सारी चीज़ें होती हैं। अभी थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि जो बीएमएस है, बीएमएस में जो फीचर्स होते हैं भाई, हमने भाई 3 लेवल की बात की, मैनेजमेंट लेवल, फील्ड लेवल, मैनेजमेंट ऑटोमेशन लेवल, फील्ड लेवल। यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए मैनेजमेंट लेवल है, मैनेजमेंट लेवल में हम एक सिस्टम पर ये सारी चीज़ें होती हैं, या हम एक हमारा जो एचएमआई होता है उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जो कुछ जितना भी चीज़ें होती हैं अपने फ़ोन से भी हम कहीं कोई प्रॉब्लम होगी या कोई अलार्म आ रहा है तो सीधे वो हमारे फ़ोन पे रिंग करके या मैसेज करके भी या मेल करके भी आ सकते हैं। ये दूसरा है हमारा जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ऑटोमेशन लेवल है, ऑटोमेशन लेवल में क्या होता है, ये देखो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर लगे हुए हैं, ये देखो ये मेन यहाँ से इससे कंट्रोलर जुड़े हुए हैं, और कंट्रोलर से क्या जुड़ा हुआ है हमारे इनपुट और आउटपुट से जुड़े हुए हैं जो प्रॉपरली वर्क करते हैं।
तो इस तरह करके जो चीज़ें होती हैं हमारी जुड़ी रहती हैं थोड़ा सा अभी अभी और क्या है, डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा स्टोर से क्या मतलब है भाई, सपोज मैंने किसी मीटर की रीडिंग लेनी है तो इसके अंदर पूरी रीडिंग आपकी बनी रहती है, आप कभी भी पूरे महीने का डाटा निकाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग चीज़ों की जरूरत पड़ेगी या कुछ रहेगा, तो इसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। हमारी रीडिंग है कितने शेड्यूल हुए, मेरी एक मशीन है भाई आज से 10 दिन बाद मुझे देखना है भाई उस दिन वो मशीन कितनी देर चली थी या टोटल कितनी देर चल चुकी है। तो एक मॉनिटरिंग डाटा स्टोरेज की इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से होती है, और जो एक एक प्लस पॉइंट है, हम पूरे साल का एक एक फिगर आउट कर सकते हैं जिससे हम काफ़ी बेनिफिट होते हैं। अभी और क्या रह गया, अभी अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम है, अभी कहाँ पर कब कब अलार्म आया, किस किस में क्या क्या फॉल्ट आया, वो सारी हम इसमें देख सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत पुराने अलार्म भी देख सकते हैं, अगर किसी में ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसका रूट कॉज एनालिसिस हम निकाल सकते हैं कि भाई क्यों आ रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में वो चीज़ें नहीं हों। तो टाइम शेड्यूलिंग है भाई, हमने एक मेरी लाइटिंग है भाई, इतने बजे लाइटिंग ऑन हो जाए, इतने बजे लाइट ऑफ हो जाए, या इतने बजे मेरा एसी चल जाए, इतने बजे बंद हो जाए, ये पंप ऐसे चले वैसे चले, तो उस तरह करके बहुत सारी शेड्यूलिंग इसमें कर सकते हैं। संडे को चलना चाहिए या मुझे सैटरडे बंद करना है या सैटरडे संडे ऑफ करना है, तो एक अच्छी शेड्यूलिंग इसके अंदर हम इसमें कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम भाई, इसमें क्या होता है कि इसमें दो तीन तरह के पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि एक बंदा है जो बीएमएस ऑपरेटर है वो उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता, हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया, वो सारी चीज़ें देख सकता है, एसी ऑन ऑफ कर सकता है, प्रोग्राम को नहीं छेड़ सकता, या उस सिस्टम से जहाँ जहाँ पर जो हमने कमांड दी है, सपोज कोई फॉल्ट आता है तो इस नंबर पर मैसेज जाना चाहिए, मेल जाना चाहिए, तो वो बंदा नहीं, उसके लिए एक सीनियर मैनेजमेंट का बंदा रहता है, उसके पास पासवर्ड रहते हैं, वो सारी चीज़ें सेट करता है, सब कुछ करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। इन सब चीज़ें की क्या है, ये तो ओवरव्यू हुआ है बीएमएस का, ये क्या है, ओवरव्यू है। तो ओवरव्यू के अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको कहाँ पर मिलेगा, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन के ऊपर मिलेगा, और फ्री कोर्स है, वहीं पर आप उसको देख सकते हैं, और जल्दी जल्दी आप जाइए और स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी अल्टीमेट आपको फ्री नॉलेज वहाँ से मिलने वाली है। अब मिलते हैं आपसे जल्दी ही, जय हिंद जय हिंदुस्तान।